तो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर फ्रेंड्स एंड आई हैव ऑलरेडी इंडेड द पोयम मैक्रूटी द मिस्ट्री कैट्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पोयम फायर हिम। दिस पोयम हैज बीन कंपोज्ड बाय केकी एंड दारूवाला। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो पोयम आपको टीच करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, फायर हिम, और इसके जो मतलब कवि है केकी एंड दारू वाला। तो आप देखना कि आप के किताब के साथ हम दम अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार आपका मीनिंग बताएंगे। पहले हम जान लें स्टूडेंट्स कि यहाँ पे फायर मैंने क्या होता है। ऐसे फायर मतलब आग होता है, अगर ये नाउन हुआ तो। अगर वर्ब माने तो फायर मतलब हमला करना, हिम मतलब होता है कि प्रशंसा करना, भजन होता है। तरह फायर हिम मतलब एक तरह का आग का प्रशंसा, आग का भजन, आग का गीत, है ना। और इसके जो आपके पोएट से केकी एंड दारू वाला, मैं बताते चलूँ कि इनका पूरा नाम है केकी नासरवांजी दारू वाला, है ना। तो स्टूडेंट से यहाँ पे बिल्कुल आपको मैं बताऊँगा आपकी किताब के अनुसार लाइन बाय लाइन हिंदी बताऊँगा। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे जो भी नए हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल्स पे, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स पे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, चैनल को लाइक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो चले विदाउट डिले हम लोग बातें करते हैं आज का पोयम फायर हिम, और इसके जो कंपोजर है पोएट है केकी एंड दारू वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ केकी एंड दारू वाला अकॉर्डिंग टू योर बुक। आपकी किताब के अनुसार हम जानेंगे कि केकी एंड दारू वाला का जीवनी क्या है। यहाँ पे देखिए केकी एंड दारू वाला बर्न 1937। यहाँ पे केवल जन्म लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये कविता कंपोज किए केकी एंड दारू वाले साहब ने तो उस समय तक जीवित थे, मृत्यु उनकी नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पे केवल बर्न यानी जन्म की बात हो रही है। रेसिपियंट्स प्राप्तकर्ता यानी प्राप्त करने वाले, अब साहित्य अकादमी अवार्ड्स 1984, यानी केकी एंड दारू वाले जो 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से प्राप्त करने वाले हैं, एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड्स, और इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड्स को भी प्राप्त किए हैं। इज ए लैंडस्केप पोएट ऑफ इमिनेंस, यहाँ बता देते हैं कि लैंडस्केप मतलब क्या हुआ, जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है जिसको नेचुरल ब्यूटी कहते हैं उसको को लैंडस्केप कहते हैं। इमिनेंस देखिए इमेंस, यहाँ पे इमिनेंस का मतलब था उत्कृष्टता, यानी केकी एंड दारू वाले साहब ये प्राकृतिक की सौंदर्यता के उत्कृष्ट कवि हैं, एंड और ए वेल नोन वह जाने जाते हैं, वेल नोन मतलब वे जाने जाते हैं राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, वह छोटे कहानियों के लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी कहानियाँ लिखे हैं। हिज पोएट्री उनकी जो कविता है इज है इन हिज ऑन वर्ड्स, उनकी कविता अपनी एक सुरक्षा है ना, इस टोटली मतलब क्या संपूर्ण रूप से, टोटल से बना है, टोटल मतलब सभी, टोटली मतलब संपूर्ण रूप से इम्प्रेशनिस्टिक, इम्प्रेस मतलब प्रभाव डालना, तो इम्प्रेशनिस्टिक मतलब प्रभाववादी, रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स, सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है व्यक्ति पर, रेस्पॉन्स मतलब उत्तरदायी, यानी ये पूरी तरह उनकी कविता होता है व्यक्ति परक को उत्तरदायित्व करते हैं और व्यक्ति परक के प्रभुत्ववादी पे रिकॉर्ड होते हैं, है ना। ही क्लेम्स, यहाँ पे क्लेम का मतलब होता है दावा करना, है ना, तो दावा करना, दावा करना। हिज पोयम, वह अपने कविता में दावा करते हैं टू बी होने के लिए, रूटेड रूट मतलब जड़, इन द रूरल लैंडस्केप, वो अपनी कविता में बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य की रूट की बात करते हैं। बस समझ गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एंड और हैंस अर्थी, और अर्थी का मतलब यहाँ दो अर्थ होता है, कि एक अर्थी का मतलब मटियाला या अश्लील भी है, है ना। ही वह सन, तीन सन होते हैं स्टूडेंट, एस यू एन सन मतलब सूरज, एस ओ एन सन मतलब बेटा, एस एच यू एन सन मतलब दूर रहना, ओके। तो ही सन्स, वो दूर रहते हैं, क्या किससे भाई, तो सोफिस्टिकेशंस,
सोफिस्टिकेशन यानी वो बनावटी दुनिया से दूर रहते हैं. एज ही थिंक जैसे वो सोचते हैं दैट इट वाइल एडिंग ए ग्लॉस वह जो चमत्कार जोड़ते हैं टेक वे द पावर ऑफ वर्ड्स और उनकी छंद की शक्ति को अलग करता है. मतलब उन्होंने क्या करते हैं कि बनावटी से बिल्कुल दूर रहते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य की बात करते हैं. ज़्यादा चमक दमक से दुनियाओं से वो दूर रहते हैं इसीलिए इनकी छंद की सबसे बड़ी ये शक्ति है. द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री उनकी कविता का जो छंद होता है ना थीम्स होता है आर लव. उनकी कविता का मेनली जो थीम्स होता है वो प्यार होता है डेथ मृत्यु पे होता है डोमिनेशन मतलब प्रभुत्व पे होता है और सिनिज मतलब एक संघ की मिजाज के और प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और मानव समाज की दशा एंड वायलेंस और हिंसा पे. यानी इनकी कविता पे ये जो मेन थीम्स होता है इस पे होता है लव पे होता है डेथ पे होता है डोमिनेशन पे होता है सिनिज्म होता है प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पे होता है एंड वायलेंस. सबका मीनिंग समझते हैं ना स्टूडेंट्स. लव मतलब प्यार डेथ मतलब मृत्यु डोमिनेशन मतलब प्रभुत्व और सिनिज मतलब संघ की बात प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी प्लाइट मतलब दुर्दशा यानी मानव का दुर्दशा पे एंड वायलेंस मतलब हिंसा. आगे बढ़ते हैं. ही राइट्स वह लिखते हैं विद इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी से मतलब क्या होता है प्रबलता एंड विगर. वह प्रबलता और शक्ति के साथ लिखते हैं वो प्रबलता और शक्ति के साथ लिखते हैं. इन्वॉल्व यानी शामिल होता है इन हिज पोएट्रिक क्रिएशन. उनकी जो कविता क्रिएशन मतलब रचना उनकी कविता की जो रचना होती है उसमें शामिल क्या होता है बिल्कुल एक प्रबलता होता है और शक्ति के साथ वो लिखते हैं है ना. सिंस ही हैड बीन इन पुलिस ऑफिसर क्योंकि वह पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं क्या रह चुके हैं तो वायलेंस इज अनअवॉइडेबल्स. देखो यहाँ पे स्टूडेंट अवॉइड मतलब होता है अलग रहना दूर रहना. अवॉइडेबल मतलब दूर रहने लायक. अनअवॉइडेबल मतलब दूर नहीं रहने लायक. चूंकि ये पुलिस अफसर रह चुके हैं तो इनकी जो कविता में है पोएम में वो तो बिल्कुल वायलेंस होगा ही. वायलेंस से कभी हिंसा से दूर रहा नहीं जा सकता. इनकी कविता में वायलेंस तो रहेगा ही सम्मिलित रहेगा है ना. इन पोएट्री उनकी पोएट्री में हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स इनकी जो महत्वपूर्ण वॉल्यूम्स है ऑफ वर्स इंक्लूड अंडर ओरियन 1970 में हुआ अंडर ओरियन इनकी महत्वपूर्ण क्रिएशन है और अपारिशन इन अप्रैल 1971 में एंड क्रॉसिंग अ रिवर्स 1976 में 1976 में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी किताबें हैं. तो स्टूडेंट इनको याद रखना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी क्वेश्चन से ये आ सकते हैं. तो इसलिए इम्पोर्टेंट बुक को ये अंडर ओरियंस है चाहे अपारिशंस है इन अप्रैल है या क्रॉसिंग रिवर्स ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं इसलिए इसको याद रखना जरूरी होता है. तो स्टूडेंट्स आप समझ गए लाइन बाय लाइन हिंदी कोई दिक्कत. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप देखते हैं कि बॉक्स देखते हैं देख रहे हैं बॉक्स देखते हैं और बॉक्स में क्या लिखा है. तो बॉक्स में लिखा है वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एक छोटा समूह बनाइए काम कीजिए एंड डिस्कस द प्रॉब्लम निम्नलिखित पर डिस्कस कीजिए. हाउ हैज फायर इन्फ्लुएंस्ड एन ह्यूमन लाइफ. हाउ मतलब कैसे फायर मतलब आग इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित किया ह्यूमन लाइफ मतलब मानव जीवन को. आग कैसे मानव जीवन को प्रभावित किया है. स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं मैं आई आस्क ए क्वेश्चन टू यू व्हेन डिड अ फायर डिस्कवर्ड आग की खोज कब की गई. आप इतिहास तो पढ़ते हो ना तो आग की खोज कब की गई पूरा पाषाण काल में. अब जान लो कि जब आग की खोज नहीं की गई उसके पहले मानो क्या कच्चा मांस वगैरह कच्चा भोजन किया करते थे लेकिन जैसे ही आग की खोज हुई तो मानव जीवन के लिए एक न्यू रिवॉल्यूशन एक न्यू क्रांति आ गई. क्योंकि आग के माध्यम से क्या हुआ कि खाना बनाने की अब पद्धति हो गई. अब लोग कच्चा नहीं बल्कि पका पकाया हुआ खाना खाते थे. और भी क्या होता था उस समय जंगली जानवरों से मानव बहुत ज़्यादा डरते थे लेकिन जंगली जानवर आग से डरते हैं तो लोग आग का इस्तेमाल जंगली जानवरों को दूर भगाने में करने लगे इसलिए अब मानव की मौत कम होने लगी. और सेकेंडली
कि आज भी देखा जाए तो ये आग में तो सबसे बड़ी इसकी नेचर है कि किसी चीज को जलाकर बिल्कुल राख कर देता है और सेकंड में ही जलाकर राख कर देता है, इसकी सबसे बड़ी एक स्वभाव है। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि मानव जीवन में आग का बहुत बड़ा एक प्रभाव है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ये क्वेश्चन से ग्रुप बनाकर, अगर स्टूडेंट्स हैं ना तो आप चार चार ग्रुप बना लें, आठ दस ग्रुप बनाएं और सब ग्रुप से इस पे विचार आप लें, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव गिवन डिफरेंट्स आइडियाज। तो डेफिनेटली अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग आइडिया देंगे, उससे एक अलग ही विचार पैदा होते हैं। दूसरा है कि हाउ इज फायर रिलेटेड टू द रिचुअल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्म, रिलीजन मतलब धर्म होता है, डिफरेंट मतलब अलग, रिचुअल्स मतलब कर्म कांड, रिलेट मतलब क्या होता है, संबंध रखना। तो मतलब अलग अलग धर्मों का कर्म कांड से आग का कैसा संबंध है। हाँ जी, ये जान लो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं फायर इवेंट, चूंकि आप जानते हैं कि ये केकियन दारू वाला पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं और पारसी लोग आग की पूजा करते हैं, इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं। और देखा जाए तो प्रत्येक रिलीजन्स में कहीं ना कहीं आग का इंपॉर्टेंस है। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन्स भी देखिए, आग के सामने लोग शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, चाहे शादी ब्याह का माहौल होता है उसमें भी आग जलाकर पति पत्नी को घुमाया जाता है, तो दिखाता है कि वहाँ पे एक शपथ होता है। और इसलिए कहा जाए कि विभिन्न धर्मों में जब स्टडीज करेंगे तो अलग अलग इसका आग का एक अपना कर्म कांड है, उसका एक रिचुअल्स दिखता है, है ना। तो स्टूडेंट्स आप समझे ना, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ ना कि इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स से आप ले पहले समझा दें कि रिचुअल्स मतलब कर्म कांड क्या होता है, उसको समझाएं, रिलीजन्स के बारे में समझाएं, और तब ये क्वेश्चन को रख के देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज देंगे जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो स्टूडेंट से हमें समझ तो आज इतना ही, और फिर अगले वीडियो में मैं आपका फायर इन को लाइन बाय लाइन हिंदी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।